वेलकम दोस्तों, समय बहुत ही बहुमूल्य है, इसलिए समय को सार्थक बनाते हुए आज के जीके क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। शुरू करते हैं दोस्तों। प्रश्न है, शरीर के सारे ऊतकों को ऑक्सीजन कैसे प्राप्त होती है? सही जवाब होगा, रक्त के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में ऊतकों का निर्माण किस से होता है? राइट आंसर, प्रोटीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया है? राइट आंसर होगा, फंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? राइट आंसर, रतौंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों द्वारा वायुमंडल में जल छोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? राइट आंसर होगा, वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? राइट आंसर होगा, कैरोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु है कौन सा? राइट आंसर होगा, RSV विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? राइट आंसर होगा, केसीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? राइट आंसर, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम और फास्फोरस शरीर के किस अंग के लिए लाभकारी है? राइट आंसर होगा, हड्डियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे हरे क्यों दिखाई देते हैं? राइट आंसर, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? राइट आंसर होगा, एस्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन बच्चों को रिकेट्स रोग से बचाता है? राइट आंसर, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? राइट आंसर, बड़ी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा किस किस्म का जीव है? राइट आंसर होगा, एक कोशिका वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों का जनन भाग कौन सा है? राइट आंसर होगा, पुष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से रक्त समूह का व्यक्ति सभी को रक्तदान कर सकता है? राइट आंसर होगा, ओ रक्त वर्ग वाला व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से रक्त समूह का व्यक्ति सभी से रक्त ले सकता है? राइट आंसर होगा, एवी रक्त वर्ग वाला व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों और सब्जियों में कौन सा विटामिन नहीं होता है? राइट आंसर होगा, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का शक्ति गृह जिसे पावर हाउस कहा जाता है, तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? राइट आंसर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया को। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का सेट्स मैं कंटिन्यू लाता रहूंगा। मेरे चैनल पर लगातार आप बने रहें। जय हिंद।